हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल बी कैरियर एंड कैंडिडेट्स में। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि म्यूजिक टीचर कैसे बने, यानी म्यूजिक के क्षेत्र में कैरियर कैसे बनाएं। बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत असंभव है, लेकिन अगर जितनी मेहनत आप दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं उतनी मेहनत अगर आप म्यूजिक के क्षेत्र में कर दे तो सरकारी जॉब मिलना बहुत ही आसान है। हमारे बहुत सारे मित्र भी बहुत जगह सरकारी जॉब में हैं, तो हम इस पे इसलिए एक वीडियो लेके आए हैं कि आप जो हैं इसको जानें, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है और म्यूजिक टीचर नहीं बन पाए तब भी क्या क्या कर सकते हैं, इस पे जो है हम चर्चा करें। म्यूजिक टीचर कैसे बनते हैं, म्यूजिक टीचर का क्या काम होता है, म्यूजिक टीचर कितने प्रकार के होते हैं, म्यूजिक टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, म्यूजिक टीचर की वो क्वालिफिकेशन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ में जब म्यूजिक की बात है तो हम थोड़ा बहुत इंडियन आइडल पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत सारेगामापा पे भी चर्चा करेंगे। आप अगर ये हैं तो संगीतकार क्या होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूजिक टीचर कैसे बने। म्यूजिक टीचर बनने के लिए जो है कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, डिग्री की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जॉब जब ये आप करना चाहेंगे तो आपको डिग्री की आवश्यकता होती है, उनके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, ये आपको उपलब्ध करना होता है। और म्यूजिक टीचर जो है, आपको अगर स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं तो वो बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं और सुबह असेंबली करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनका कार्यक्रम तैयार करवाते हैं। ये जो है म्यूजिक टीचर खासतौर पर स्कूल में जो होते हैं उनका होता है। प्राइमरी म्यूजिक टीचर होते हैं शुरू में। अब जो है हम चर्चा करेंगे म्यूजिक टीचर कितने प्रकार के होता है। तो पहले जो है प्राइमरी म्यूजिक टीचर होता है, PRT होती है। दूसरी जो है TGT म्यूजिक होती है, टेंथ ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक। तीसरा जो है PGT म्यूजिक होती है, पोस्ट ग्रेजुएट म्यूजिक। तीसरा जो है, चौथा जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट होते हैं म्यूजिक के असिस्टेंट प्रोफेसर, और वही कुछ दिन काम करते हैं, 10 साल 8 साल काम करते हैं तो फिर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन होता है और फिर उनको जो है प्रोफेसर में प्रमोशन होता है। तो ये जो है इतने प्रकार के जो हैं टीचर बनते हैं खासतौर पर जो है म्यूजिक के क्षेत्र में। चलिए अब क्या है कि अब जो है म्यूजिक टीचर अगर करते हैं तो वैकेंसी कहाँ कहाँ होगी। जैसे अगर आप PRT मतलब प्राइमरी म्यूजिक टीचर अगर बनते हैं तो आपको जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में जो है आपको PRT का पद होता है, प्राइमरी टीचर्स का पद होता है म्यूजिक टीचर का। अगर बहुत सारे स्टेट में जो है मिडिल स्कूल में जो है प्राइमरी टीचर्स का जो है म्यूजिक प्राइमरी टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, तो ये जो है PRT का अपॉइंटमेंट है। अगर आप TGT टेंथ ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक बनते हैं तो इनकी वैकेंसी जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय है, दिल्ली सबॉर्डिनेट है, जैसे कि मतलब आप स्कूल तिब्बतियन स्कूल है, जैसे आप रेलवे का स्कूल है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ये सभी में जो है TGT म्यूजिक की अपॉइंटमेंट होती है, तो वहाँ आपकी जो है वैकेंसी होती है। जिस स्कूल में 11th 12th को पढ़ाने के लिए म्यूजिक रखे हुए हैं वो स्कूल में म्यूजिक है, वहाँ पे जो है म्यूजिक टीचर का अपॉइंटमेंट है, उनको जो है PGT म्यूजिक कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पे जो है लोग डिग्री लेते हैं, तो डिग्री उग्री जो लेते हैं उनको पढ़ाने वाले जो होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, अगर आपको PRT होना है, प्राइमरी टीचर बनना है म्यूजिक में, जैसे केंद्रीय विद्यालय में बहाली होती है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए
और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए म्यूजिक में। अगर आपके पास 10+2 है और उसके बाद डिग्री म्यूजिक में है, तब भी आप जो है PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप TGT बनना चाहते हैं म्यूजिक में 10th grade टीचर बनना चाहते हैं, तब उसके लिए जो है म्यूजिक में आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप PGT बनना चाहते हैं तो आपको जो है मास्टर डिग्री इन म्यूजिक होनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटीज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको नेट चाहिए, नेट नहीं है तो PhD चाहिए। अब क्या है, 2022 से ये जो लागू होगा, क्योंकि जो है पहले के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 में, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटीज में जो है या कॉलेज में जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए क्राइटेरिया दिया था कि अगर इन कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको मास्टर डिग्री के साथ नेट होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटीज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ जो है आपको मास्टर डिग्री के साथ PhD होना अनिवार्य है। तो आज के डेट में PhD जो है कंपलसरी हो गया है और PhD का वैल्यू बढ़ गया है। जैसे आपको जो है PhD का जो कुछ पॉइंट आधार पे जो है आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, कॉल किया जाएगा, तो उसमें जो है PhD को जो है 25 मार्क्स रखा गया है। नेट को जो है अगर GRF है तो 7 पॉइंट है, और नहीं नेट क्वालिफाई है केवल तो आपको 5 पॉइंट है। तो इस प्रकार के जो है, और मास्टर डिग्री में जो मार्क्स है उसके जो है फर्स्ट डिवीज़न इतना मार्क्स से 80% इतना मार्क्स, वो एक क्राइटेरिया है, तो वो आधार है। तो आने वाले 2022 के बाद जो है PhD होल्डर की जो है ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। तो ये तो जो है टीचर के बनने के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो है आपको चाहिए थी। अब बात करेंगे, अगर आपको अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, अगर आप PRT में बनते हैं तो PRT में जो है 35,000 कुछ जो है इसका जो है बेसिक है, सब मिला के जो है आपको आज के डेट में जो है आपको लगभग 45,000-46,000 रुपया फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, अगर PRT केंद्रीय विद्यालय में या स्टेट में कहीं बनते हैं तो। अगर आप TGT म्यूजिक बनते हैं, TGT म्यूजिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है जितने भी GICs हैं और हाई स्कूल है, सभी जगह जो है म्यूजिक टीचर का पद है, तो उसमें भी जो है आपको जो एक पेमेंट मिलेगा, फर्स्ट पेमेंट जो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो है आपको लगभग जो है आपको 60,000-65,000 के लगभग में आपको ये जो है पेमेंट फर्स्ट मिलेगी। अगर आप PGT बनते हैं तब आपको 70,000 के लगभग में पेमेंट मिलेगी। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो 80,000 के लगभग में आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगी। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के बनते हैं तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी पे लेवल थोड़ा ऊपर नीचे कर रखे हैं, तो उनके हिसाब से आपको कम बेस पैसे भी मिल सकते हैं। और जहाँ पे जो है शिक्षा मित्र है या आपको गेस्ट टीचर लेक्चरर है, तो उनको जो है स्केल के हिसाब से नहीं देते हैं, तो वो कंसोलिडेटेड देते हैं, तो वो स्टेट पर निर्भर करता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी काम करते हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल में भी म्यूजिक टीचर का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ भी अच्छा खासा अच्छा सैलरी देते हैं। ये तो म्यूजिक टीचर कैसे बने इस पे था। म्यूजिक क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे अगर म्यूजिक के क्षेत्र में डिग्री लेते हैं और अगर उसका अभ्यास आपका अच्छा है तो आज के डेट में जो है म्यूजिक के क्षेत्र में जो जिनके पास डिग्री है वो बैठ नहीं सकता है। बहुत सारे, ये तो टीचर बनने की बात थी, लेकिन जैसे देखिए आकाशवाणी रेडियो, इसमें भी म्यूजिक वाले की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें संगत वालों की अपॉइंटमेंट होती है। संगत का मतलब जो है जैसे इंस्ट्रूमेंटल, कोई हारमोनियम बजाते हैं, कोई गिटार बजाते हैं, कोई सारंगी बजाते हैं, कोई तबला बजाते हैं, ये लोग संगत देते हैं जब कलाकार गाते हैं, तो इनके लिए भी जो है
आपको जो है अपॉइंटमेंट होती है तो आकाशवाणी में है। प्रत्येक स्टेट का जो है सांस्कृतिक विभाग है, उनका अपना कला केंद्र है, उनमें जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो म्यूजिक वाले जो हैं बैठ नहीं सकते। अगर आपको अगर म्यूजिक के क्षेत्र में डिग्री है, अगर म्यूजिक का ज्ञान है, अच्छा गला है, बहुत सुरीले गाते हैं, बहुत अच्छे से बजाते हैं, तो आज के डेट में बहुत सारे रियलिटी शो भी शुरू हो गया है। जैसे इंडियन आइडल है, सारे गामापा है, वॉइस है, तो बहुत सारे जो है आज के रियलिटी शो है, और बहुत लोग जो हैं इनसे जो है माध्यम से बहुत सारे कलाकार बने हैं, बहुत सारे नेम फेम हुए हैं। जैसे इंडियन आइडल है, तो इंडियन आइडल में बहुत बच्चों को ये होता है कि इंडियन आइडल में कैसे जाते हैं। देखिए, इंडियन आइडल हो या सारे गामापा हो, ये लोग जो है जब प्रोग्राम करते हैं उनसे पहले ऑडिशन के लिए डेट देते हैं कि अब जो है ऑडिशन होगा, इससे पहले एक महीने या कुछ दिन का जो है रजिस्ट्रेशन के लिए डेट देते हैं कि इतना दिन रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आपका जो है अपना बिना इंस्ट्रूमेंटल का, आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना इंस्ट्रूमेंटल का आपका जो आवाज़ है आप उसको गा के जो है रिकॉर्ड कीजिए, और जब भी उनका नोटिफिकेशन आता है तो इनका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है सोनी लिप पे जो है जाके जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उस पे जो है आप जो है उस पे अपना इन्फॉर्मेशन भरेंगे, और साथ में आपके जो आवाज़ है कोई गीत गा के जो है आवाज़ को जो है आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आवाज़ के हिसाब से जो है वो उसको छांटते हैं। जैसे सारे गमापा है, ये G5 पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनका जो है प्रक्रिया वही है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, साथ में आवाज़ डालिए, और वो जो है अपलोड कीजिए आवाज़ को, और वो जो है आवाज़ के हिसाब से उसको छांटेंगे, और उन लोगों का ऑडिशन किया जाता है। तो ऑडिशन भी जो है दो तीन प्रक्रिया होती है। पहले जो है छोटे जो जज होते हैं वो लोग जो है बच्चों को या जो भी कलाकार होते हैं उनको जो है जज करते हैं, उनमें जिनकी आवाज़ अच्छी होती है वो सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए आते हैं। अधिकतर जो बड़े जज होते हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, ये लोग जो हैं लगभग थर्ड राउंड के बाद आते हैं और उनको जो है जज करते हैं। जो अच्छे आवाज़ के सुरीली आवाज़ वाले होते हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं और ले जाते हैं। अगर आपको रियलिटी शो में भी नहीं होता है तो आप अच्छे कलाकार हैं तो अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कहीं कहीं प्रोग्राम दे सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर इसमें भी नहीं हो तो आप जो है आज अगर सुरीली आवाज़ हैं तो आप YouTube के चैनल के माध्यम से आप अपना जो है आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। आज के डेट में जो है फोक गाना हो गया या म्यूजिक हो गया, या आपको बहुत सारे कलाकार जो हैं इनसे निकले हैं। तो अभी जो है बहुत बड़े कलाकार जैसे मैथिली ठाकुर हैं, बहुत स्टेज से आए हैं, लेकिन आज यूट्यूब से जो है वो बहुत सारे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और अच्छे गाना गाती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कोई म्यूजिक क्षेत्र में अगर कोई डिग्री लिया है तो वो बैठ नहीं सकता। नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि ये डिग्री लेने के लिए कुछ कॉलेजेज हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है क्या नहीं है, इस पे कुछ कॉलेज का नाम हम बताएंगे कि कहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक, द कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक, प्रयाग संगीत समिति, भारतीय संगीत महाविद्यालय, मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये सब महत्वपूर्ण कॉलेज हैं जहाँ से जो है टॉप के जो है म्यूजिक वाले सीख के निकलते हैं। वैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के महाविद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको म्यूजिक की पढ़ाई होती है, और उस पढ़ाई से आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ म्यूजिक की पढ़ाई होती ही होती है, तो आप वहाँ से जो है म्यूजिक की डिग्री ले सकते हैं। अभी तक अगर आपको कोई भी क्वेरी बच गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब आपको देने का भरसक प्रयास करेंगे। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।